नमस्कार दोस्तों, आओ चले चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनिया के विषय में। ये हमारी सब्जी के स्वाद को बढ़ाता है, साथ ही साथ चटनी अचार का जायका भी धनिया के बिना अधूरा होता है। इसी तरह धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाने की वजह से अगर एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति रोजाना इसका सेवन करे तो उसके खून की कमी को दूर करता है। साथ ही साथ वो व्यक्ति जिन्हें भूख नहीं लगती उन्हें भी रोज धनिया की 10 से 12 पत्तियां खानी चाहिए। इसको खाने से उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी बीमारियों से भी बचाव होता है। साथ ही साथ त्वचा की बहुत सारी बीमारियां जैसे कि सूखापन, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा को भी दूर करता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये त्वचा के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। और अगर आप धनिया को चीनी या मिश्री पाउडर के साथ मिलाकर पिएंगे, पानी के साथ पिएंगे, तो यूरिन इन्फेक्शन यानी कि यूरिन की जो जलन होती है उसमें राहत मिलती है। साथ ही साथ साबुत धनिया के दानों को अगर आप रोजाना सेवन करते हैं तो डायबिटीज़ में भी लाभ होता है। और धनिया को रोजाना खाने से पीरियड्स के दिनों में होने वाले दर्द में भी राहत मिलती है। इसके साथ साथ यह माउथ अल्सर, चेचक और लीवर के भी रोगों को शरीर से दूर करता है और लीवर को स्वस्थ बनाता है। तो कैसी लगी हमारी जानकारी दोस्तों? धनिया तो इस मौसम में बहुत अच्छी आ रही है, तो क्यों ना हम धनिया को अपने खाने में शामिल करें, चटनी के रूप में, सब्जी के रूप में, या इसके दानों का पाउडर बनाकर रख लें, उन्हें आप पानी में मिक्स करके पीजिए, उबाल लीजिए पानी के साथ, उसका पानी का सेवन करें, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद।